हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइन सैयद। आज साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना ले लिया है, 1.5 कप साबूदाना लिया था, उसे मैं 3-4 घंटे भिगो के यहाँ पर रख दिया है। बारीक वाला साबूदाना लिया है, ये जो आता है नॉर्मल सा साबूदाना वो बड़ा रहता है, ये छोटा है, ये बहुत ही बारीक आता है साबूदाना। इसे पापड़ वाला साबूदाना कहा जाता है। ये कोई भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ हम पापड़ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इस पर लगा देंगे ऑयल। तो पहले कैसा प्लेट में बनाया जाता था साबूदाना के पापड़ को, तो मैं अभी ये साबूदाना का पापड़ ना प्लेट का इस्तेमाल होगा ना कोई भी बर्तन का इस्तेमाल होगा, मैं बहुत ही आसानी से अच्छे गोल आकार में साबूदाना पापड़ रेडी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, ऐसे प्लेन से प्लेट ले लेना है, कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल है वो। इसे मैंने ऑयल लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने मेटल की चूड़ियाँ ले ली है, आप कांच की भी चूड़ियाँ ले सकते हैं या कंगन भी ले सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल है वो ले सकते हैं, और आपको जितना बड़ा पापड़ चाहिए उतनी बड़ी चूड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक चूड़ी मैं यहाँ रख दूंगी ऐसे। रख दूंगी और यहाँ पर है बीच में, और इसके पापड़ बना लूंगी। मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, तो ये उबलना शुरू हो चुका है। मैं ये साबुदाना दो हिस्सों में करूंगी, तो यहाँ पर मैं आधा कर दूंगी। मैं वाइट और कलर वाले बनाऊंगी थोड़ा सा, तो यहाँ मैंने दो हिस्सों में कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी ये फूड कलर, ये ग्रीन वाला है, आप दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं आप, रेड येलो जो आपको पसंद है वो कलर ले सकते हैं। मैंने ग्रीन वाला लिया है। यहाँ पर इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। यहाँ पर कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है, एक मैंने वाइट ही रखा है, इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, मैंने आधा चम्मच डाला है, इसमें भी डाल दूंगी नमक और ये अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और इसे भी, यहाँ पर सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब पापड़ बनाएंगे। अब इन चूड़ियों में ये पापड़ का साबुदाना रख देंगे। यहाँ पर ऐसे डालना है और उंगलियों से ऐसे समान करना है इसको। यहाँ पर देखिए चूड़ियों में पापड़ बना लिया है मैंने, पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं। इसे अब भाप में पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं हल्के हाथों से ये चूड़ियाँ हटा दूंगी यहाँ से, बहुत ही हल्के हाथों से हटाना है। यहाँ पर देखिए सभी चूड़ियाँ मैंने हटा दी हैं। तो यहाँ पर मैं गैस पर रख दूंगी, इस पर ये ढक्कन झाँक देंगे ऐसे और गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए साबुदाना कांच की तरह हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा साबुदाना पापड़ रेडी हो चुका है, तो इसे निकाल लेंगे, इस प्लेट को नीचे उतार लेंगे, ऐसे ठंडा होने के बाद में निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। इस वाले सिरे को ऑयल लगा देना है और यहाँ पर सभी कोनों से ऐसे प्लेट को ऐसे गोल फिराते हुए सभी कोनों को ऐसे ढीला कर देना है।
बहुत ही बढ़िया पापड़ बना है। देखिए इसी तरह से निकाल लेना है, इसी तरह पूरे साबुदाने के हम पापड़ बना लेंगे। यहाँ पर देखिए पापड़ रेडी हो चुके हैं, तो इसे हम 4-5 घंटे धूप में सुखाएंगे और फिर फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे बिना प्लेट के गोल गोल पापड़ रेडी हो चुके हैं। साबुदाना पापड़ तलने के बाद में बहुत ही अच्छे लगते हैं, फूले फूले पापड़ बनते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी ये पापड़ बनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो ट्राई ज़रूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।